the Indian women's quartet of Hima, R Poovamma, Sarita Gayakwad and VK Bismaya faced no competition as they easily took the gold in the 4x400m relay by quite a distance in the Asian Games in Jakarta on Thursday. However, the Indian team missed out on the games record of 3:28.68 as they clocked 3:28.72. Sarita Gayakwad in an interaction with the NNIS team said that a medal plays an important role in her life. She also described the strategy behind the golden victory. बहुत बड़ा प्रेशर था क्योंकि मैं जो मैं वो टीम थी ना तो इतनी स्ट्रांग थी बहुत स्ट्रांग है क्योंकि हमारे में से भी इतनी एक लड़की जो है 49 सेकंड में भागती और हमारे जो एक हिमाई है जो 50 में भागती वो भी 50 में तो इतना प्रेशर था कि मेरे मन में ये नहीं था कि गोल्ड जीत पाएंगे बस इतना था कि सिल्वर या ब्रॉन्ज तो जीतेंगे पर ये नहीं कि पर हमने भी इतना फर्स्ट लेव हिमा भागी और दीदी भागी उन लोग ने इतना लीड से उन लोग को पछाड़ा तो वही लीड हम मेंटेन करते रहे मैं और विस्मया तो फिनिश किया तो उन लोग को भी टक्कर दिया तो बहुत अच्छा ये तो अभी पता नहीं क्योंकि एक्चुअली वो ना लास्ट में भागती है क्योंकि लास्ट जो प्लेयर होता है ना वो जो अच्छा भागता है वो लास्ट में रहता है पर हमारे कोच का प्लान क्या था वो पता नहीं क्योंकि कोच इतना वो है ना बहुत वो जो भी करते हैं बहुत गलीना कोच बहुत अच्छे से करती है इसलिए उसका प्लान जो उसको फर्स्ट भगाना था तो वो बहुत अच्छे से हुआ. The individual 400 meters silver winner Hima, who began first, provided a handsome lead to Poovamma, who maintained it and passed on the baton to Sarita. The Gujarati girl too remained strong in her lap and Bismaya comfortably finished the race. हाँ confused है क्योंकि मैं भी मतलब बोल तो नहीं सकते क्योंकि कोच है कोच वो जो भी करता है वो अच्छे से इसलिए बोल तो नहीं सकते पर मन में वो था क्योंकि हिमा एक बहुत अच्छी हमारे से भी बहुत अच्छी प्लेयर है अच्छा भागती है तो उसको लास्ट में रखना जरूरी था ऐसा मतलब मन में होता था क्योंकि वो लास्ट में कुछ भी हो सकता है पर आज अभी भाग लिया उसने पहले से ही लीड दे दिया तो फिर हमने भी उसका पूरा फायदा लिया जितना उसने लीड दिया उतना हम लीड का मेरे लिए बहुत मायने रखा मेरे कोच के लिए अजमन सर और मेरा गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट किया पूरा फेडरेशन इंडियन फेडरेशन ने और मेरा स्टेट गुजरात गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट करता है मतलब हर कोई चीज़ जो भी चाहिए वो और मेरा मम्मा पापा मेरा गांव मतलब आज मेरे गांव को कोई जानता नहीं था अभी सब जानने लग गए होंगे कि मैं कहा मेरा कहा क्यों मैं ऐसा तो बहुत ये मेडल बहुत मायने रखता है मेरे लिए नहीं वैसा कुछ नहीं क्योंकि मेरे मम्मा पापा इतना सपोर्ट है ना मतलब पैसा मामलों में वो सपोर्ट नहीं कर सकते पर वो लोग मेरे दीदी से लेके हमारे भाई हम चार भाई बहन हैं सभी को मतलब खुद की सुनने दी कि मुझे जो करना है वो करने देंगे कहीं रोका नहीं तो बहुत अच्छा जो भी सपोर्ट मिला वो आज दिखा दिया बहुत दिक्कत आई मतलब 3-4 साल पहले मतलब शूज से मैं एक शू खरीद नहीं सकती थी और लेवल भी इतना मेरा था नहीं तो सब गवर्नमेंट भी खास ध्यान नहीं पर उसके बाद मैं जैसे थोड़ी मैंने खुद को कठिन बना लिया अच्छे से मेहनत करी उसके बाद गवर्नमेंट ने भी अच्छे से सपोर्ट दिया क्योंकि मैं नंगा पाँव से भागती थी 2012 में पहला मैं भागी थी गेम तो नंगा पाँव से उसके बाद गवर्नमेंट ने ध्यान दिया मुझे अच्छे से कि भाई ये आगे कुछ कर सकती है तो शू दिलवाते बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दिलवाई कोच अच्छा लाया उसके बाद फिर आज तो ठीक है हाँ मिली है गवर्नमेंट मैं घर जाती हूँ तो जैसे कि हमारे गांव में बस टाइम पे दिन में 2-3 बस जाती है बस मेरे गांव में तो गवर्नमेंट ने मुझे गवर्नमेंट की गाड़ी दी कि मैं घर जाती हूँ ना तो कहीं भी लेके वो बस उसको फ़ोन करने का मैं कहीं भी लेके घूम सकती हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं अपनी हाँ बहुत अच्छे जो भी चाहिए जो भी मुझे कपड़े से लेके शू लेके बस उनको मतलब बोलना है बस कि मुझे ये चाहिए इतना किस प्राइस चाहिए मुझे उसकी तैयारी करनी है तो फिर वो गवर्नमेंट दे देता है. एक्चुअली अभी हमारा नेक्स्ट 2019 में एशियन चैम्पियनशिप आ रहा है वो शायद कतार
वहाँ पे है, उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप आ रहा है और 2020 का मेन तो ओलंपिक है खास, तो हमारी यही टीम जो हमारी रहेगी बहुत अच्छे से हम उसको आगे करेंगे। बहुत फ़ायदा है क्योंकि जो मैं हम तीनों तो जूनियर, मतलब जूनियर मैं हिमा तो बहुत जूनियर है पर मतलब हम बस अभी अभी आए हैं, और पूवम्मा दीदी है जो बहुत काफ़ी सालों से आठ दस सालों से वो कर रही है, तो हमें जो भी कुछ प्रॉब्लम होती है वो अच्छे से समझाती है, ये करना वो नहीं करने का, ये ही करने ग्राउंड पे भी समझते हैं और ग्राउंड के अलावा फिर जो कुछ रूम पे मस्ती वगैरह उसमें भी मतलब क्योंकि हम मस्ती मैं और हिमा बहुत मस्ती करते हैं तो वो भी वो संभालती है कि इतना ये नहीं, वो अच्छे से संभालते हैं, बहुत अच्छे से।